ये जो घंटा रहता ना गुरु, श्रद्धा से बजा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्रसाद रूप में पाओ। तो दोस्तों, ये कहानी जो है वो थोड़ी लंबी है, तो इसको समझने के लिए आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा। अगर देखा है तब जब वीडियो कतई बंद मत कर दियो, बता दी हम ऐसी तो दिल्ली जाए भाई कदे जाओ क्वारंटीन ले आ सफेद वाली अद्दी बनाओ पैक फोन वाले हो फोन बजो इतनी देर से जो फोन बज रहो उठात कौन है 2 लाख क्वार बनवा ले है? अरे गुरु से कपट मित्र से चोरी चलो आबो अबलदार घर की साइकिल गद्दे ही ठाणी साहब अभ्याल बता तो मैंने आप काई के लिए बुलाओ 2 मिनट रुकिया इनकी जिंदगी जिंदा नरक है भैया ये साहब न पवाए तू दी आ छोटे वाले ला तुम हमारी साइकिल थारे में पहुंचा दियो चलो भैया जा रे कद्दिए जा ठाणी ये सिपाहीटा का तुम्हारी फूफा लगत जो इनकी साइकिल तुम थाने में पहुंचाने के लिए इतनी ओलायती हो आबो जा देगा ठाणी चला अब किने की दुकान अब लाए चले आजू रब्बा का हुआ ऐसे के पहले चला जो आदमी पहचान ना पाए किने की साइकिल बेची है पहचान तो आदमी तब पाए जब हम पहचानन लायक रखे ससुरी तो भैया मजे आइए फिर उठा ले चला भीतर रख ले ले आराम ले आराम से सिपाहीटा जग ना जाए सारे बंद करो गेट मोगा का दिखती कदे ससुरी लोंजर लोंजर तक दई जा अब जा सब तोरिए दियो फिर जा लिए को अब ले चला जा हत्या खुन्नू दादा कबाड़ी की दुकान अब अपनो आदमी है ठीक ठाक लगा लिए और साइकिल एक धंधो और कर दो आया आया रुकिया 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 अब काट ले तुम माओ मुंह सर चलो अरे जे कहा बैठे लो का साहब लो खुन्नू दादा दल्ले नीचे अरे लया ठाकुर साहब तुम्हारा तो मान लो सही है लगा ली दराव कांटे तौलो अरे तू बताओ तो का हिसाब लो लो अरे सब गांव कबाड़ो घर की दुकान पे आ तू काय को मरे जात घर जाई दी बात है और तुम से तो मान लो घरेलू संबंध है दराव कांटे अरे देव हटाओ अलग का घरेलू संबंध है हमारे तो जा बताओ पहले अरे कैदी बात करी गुइया हम सब है पहचान ऐसा ही ना जे सब बार सफेद हुई है हमारे हाँ बेहतर खूब दिखायू दे सफेद है अच्छा तो मान लियो हमारे तो आए घरेलू संबंध है तो तुम मान लियो जानते हुए कि हम लड़का किने के है कि ना क्या भैया जरूर चाहिए इन्हें बिल्कुल सही बात तो जाओ बताओ किन के लड़का है हमारे बाप को नाम कहा है सो बता दियो बाप को नाम अरे बाप के नाम में का धरो जब हमारे तुम्हारे संबंध है घरेलू है धराओ कांटे अच्छा चलो कोई बात ना है ना तो खैर आदमी भूल ही आज जब कहूँ अच्छा जा बताओ हमारा मोहल्ला कौन सो है सो बता दे सो तो पता हो चाहिए है कि ना अरे कैसी बात करी मोहल्ला देखो सारो जीप धरो निकलता है ना बुढ़ापो है मान ले हाँ भूता खूब दिखाई दे तुम पर बुढ़ापो है लेकिन संबंध घरेलू है कैसी बेकार की बात है लो का हिसाब लो सो बता बात खत्म तुम चुप पा रहा तुम से बात ना कर रहे हमारी घरेलू बात है नल्ला ये ठीक कात बुढ़ापे की बुद्धि कमजोर होते चित्त पैता है बात उतर जाते आदमी भूल जाते जब कहूँ अब हमारे तो आए तो आपसी संबंध है तो सब बात छोड़ो खाली जा बताओ कि हमारा गांव कौन सो है अरे देखो गांव की तो ऐसी है मान लो जो है कि ना पता अखिल संबंध जो आए सो घरेलू है ठीक कात लल्ला जूतो यार कुटबे कैसे कर्म कर तू अब तू केवल मत जा बता तूने लो का हिसाब लो दूसरी बात हमें तेरी सुन बहना है अरे तुम ना समझे जो है हम समझे ही ना तुमसे मुनाफा ना कमाए काई जो तुमसे घरेलू संबंध है सो हम खराब ना करो चांत
50 रुपया प्लास्टिक, 11 रुपया टीन, 27 रुपया 50 रुपया स्टील, 25 रुपया पीतल, 160 रुपया रबड़ी, 48 रुपया तोलो, 45,000 रुपया तोलो, नमो डंडा, 10 किलो 8 ग्राम की साइकिल, रुपया बने 3-2, कैसे लिया? या UPI? जे ले 2 रुपया खुल लेना। बहुत बढ़िया। दोबारा ऐसी हरकत काऊ के संग कर मत दियो, बताए देत सारू गुलाम ना। अरे खुन्नू दादा। हाँ बताओ भैया। कबाड़ो का हिसाब लो। अरे ले आओ, मान ले तुम्हारे तो सही है लगाए दे, हमारे तुम्हारे घरेलू संबंध है। कुत्ता पूछ है सारो, 12 वर्ष कुटला में दाबी रही ससुरी टेढ़ी टेढ़ी। अरे छोड़ो, मन दे सारे गुलाम हो। चलो आज तुमने रोक लो ना, जब खुन्नुआ की हड्डी तोड़ देते भगवान की तुम। अब छोड़ो भाई, एक काम करो, तुम दो जने पहुंचो कहाँ ठिकाने पर, हम बोतल लेके आए रहे, ठीक है? ओए से यार चो दे, तुम्हें तो अम्मा को पियो, हम दोनों जन ने तो गदैया को पियो। काहे अब का बात है? बात जा है, तुम अकेली ना आई जाए हो, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पैसा तुम्हारी का पकड़े हो, दिल्ली वाली बस गोली हुई है हो, और हम दो जने रही हैं शंख से बजाए। गुलाम ना का भरोसा तो कतई है ही ना, आबो मरवा एक जन हो संग सती। अच्छा एक काम कर, हम जाते लो, तुम गिलास दो दाग धरो चले जाओ, हिसाब देख के लिपा लो, यो एप्पल फ्लेवर चलाओ। तुम जितनी होशियार है नस बनती हो ना, तुम जा जान तो हमें कोई जान तू ना। ले हमने खाई ली थी खीर और तुम रहिए थे, देखो भीड़े के मारे ठेका अब गर गर बीते थे, अब जे ले पैसा और तुम ही ले जाए, हम ना जाए पे, ले 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 पकड़ो पकड़ो ना ले, हम ठीक आप ना जाए पे, हमारे गांव के लोग बागी घूम रहा था। ठीक है तो हमारे वो चाचा बगल में नमकीनी दुकान धरे बैठे ठेका के, हम ना जाए पे। ओ दद्दू घर की बस कितनी देर हम जाए दिल्ली वाली घर की, ऐसो तमाचो दिए जब पेशा हो रहे है, हमारी का हमारी और 5 मिनट में गाड़ी निकलने वाली है। ठीक है तो आइए हम ले। बड़ा चांदी हुई है जो जो सारो गुलाम संगम ना आए, रुपया डत्ते जिम और पकते दिल्ली वाली बस रुकते जा तेजा पारी फैक्ट्री में, अब देखो ऊपर वाले का होए, महारानी ने हार की और फरमाइश करी जा समझ ले। अरे यार देखो सारे सरप्पा की अकेले में मतलब सरप्पा मत कह दियो, मूड बहुत ज्यादा गरम है, सवेरे ते सराप ही एक बूंद मुंह में आ गई। हाँ ससुर तेरी काका है। सुनो 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 सब जने ध्यान से सुनो, बात फायदा की है पैसा की है इनाम की है, परां दोपहर 2 बजे से दरोगा और हवलदार चपरासी की साइकिल लेके फरार हैं। तो जो आदमी साइकिल ढूंढ के जंगीपुर पुलिस चौकी पहुंचे है वह मनोज चपरासी ओर से 1100 रुपया को नगद इनाम, चलना आपका यहीं पर हो रहे है। और साहब हवलदार दरोगा सुद्धा अगर साइकिल चौकी में पहुंचा दे तो कितो इनाम हो है। तो तुम पर इनाम में परे जूता, हवलदार दरोगा 2 सारे मरिया है, काऊ कोई सर्दी गर्मी ना है, कल तुम गाना बजा तुम प्रचार बजा, चलो ना आपका यहीं पर रह रहे हो। चले कहाँ से, क्या की बैटरी खत्म हुई, उतर के धक्का मार रहे हो, चलो यार। ये ओरे जूसारो तलो को बोतल ना ले 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 तो ले ला ले दद्दू। अरे बात का होगी ले दद्दू यार, लौटा लियो ने दिमाग खराब है का, कोई लौटा फेरी ना होए। अरे दैया हमारे बावरा को ऑपरेशन हो बे, जूसारो गुलाम गत्ते पैसा चुरा लाओ बोतल के ले। अरे दैया ताते का जा बोतल लौटा ले दद्दू, प्लीज दद्दू प्लीज, चल ला बोतल ला ले पैसा पकड़। सुनो अब दोबारा जा ठेका आए मत जइयो ना, सब गढ़हरी तोड़ दिए, चलो निकलो। माँ मूसर है जब हमें 1100 मिले हैं सूदे अब। अरे बात का ये बात तो बता। अरे जब जब बोतल ले ले तो पूरे 1100 को खोया हुई या तो सो कैसे। अब आए तुमने ना सुनी थी वो सिपाही टा मैं कम चिल्ला तो 1100 रुपया नगद इनाम है, बस साइकिल
जो साइकिल घर के ने बेच दी बात चौकी पहुँचान। लेकिन घर के ने तो बस साइकिल बेच दी। समय गीत गाए दे, समय गीत गाए दे, सब मोहल्ला सुन ले साइकिल बेची पौराना है। टिकटॉकर बन तू, टिकटॉकर एक जद्दे में तेरे बैकग्राउंड म्यूजिक चालू हुई है। ठीक से बोल क्या कह रहे, साइकिल तो घर कन्ने ने बेच दी, अब लियो कैसे ऊपर तो तुमने खुल दा झोरे और दे एक्शन। हम जहेत कॉम्प्लिकेटेड चीज है भैया, मानो वीडियो में सस्पेंस है तो तुमका एसीपी पिद्दू कॉपी मरे हो। तो बताओ क्या करें, बताओ अब हम बताएं, सो करो। चलो भैया अब हम गिलास धोदा रेडी कर दें। सारे सिपाहियों ने सब झूठन कर दई, देखा सारे डरे कैसे किरिया कुत्ता की तरह। जाओ ना सामने नशा हल्को ये तौले हम पीछे भाग ये रो लिए और जे सारे मुँह सुनाना ही काट पाए हम। आओ बस अब जल्दी बोतल आइया। ले खुन्नू दादा संतरा खाया, संतरा खाए लियो। हमारे दांत घट्टे हुई यार। तो फिर देसी घी के पेड़ा मंगाए दे, पेड़ा खाया। हमारे शुगर है। तो फिर एक काम करो, रुआ बजा वारो शरबत मंगाई दे, सो पी लियो। हमारे पेट में गैस बनती। तो खा लियो हमारा मुंह सर, हमारी जो साइकिल ली थी हमें वापस करो। आए का कही सुन ना पाई तो भी दे का दीदी निरा। अरे कछु ना खुन्नू दादा एक दिक्कत हुई थी। अब आए जो हम तुम्हें साइकिल बेच गए थे बस साइकिल हमारी वापस लेना आए हम। कायद की घर में एक है साइकिल है और सौ जुजारो गुलाम स्कूल फीस जमा कराने वाले बेचवाए दे तो हमारा सब मान लो काम धंधो चौपट हुई है। तो जेले अपने पैसा और हमारी साइकिल जो नहीं थी बा हमारी वापस दे दो। कायद की घरेलू संबंध है तो वापस तुमने की हुई है जे हमारे मतलब का फी लिखी। देखो 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 लाओ देखें दिखा ये दिखा। गेट लॉस्ट, आई सेड गेट लॉस्ट। साइकिल दे या मत दे लेकिन बात हिंदी में कर, वीडियो नियम हुआ है। अच्छा तुम्हारी साइकिल लौटा दें। हाँ बात तो ना मिल पाए। कई लाओ 1100 रुपया। अब 302 रुपया बेची गए। तुमने कहीं घरेलू संबंध है फिर तुमने इन्हें रेट ना बताया फिर इन्हें डंडा लेकर तुम्हें कहाँ का लेको। अरे खुन्नू दादा लौटा दे, ठीक ठाक लगा ले लौटा दे। ठीक है ठाक तो लगाए रे, 1100 खरे गिना दे बाटरी साइकिल लिया। जूसारो है बड़ा सनीचर, तापे तुमने नई स्कीम और सचा दी थी। संतरा लेके चलो खुन्नू दादा पट्टा साइकिल दे दिए, अब ले ले रबड़ी। अब बोतल ना आए पे 300 रुपया आते ता मैं 40 रुपया के तो संतरा तो लाए ले। ऊपर तब उस रेटा उन बैठे हुए पैक की गिलास धोए। अब बताओ क्या करे हो। अब करे हो का जो है कि अब हमारे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आओ साइकिल लेने को। का कहां कैसे कितो सिर्रिये का कान कर। बस अब जो कछु समो कटरो सो कटरो, बोतल आई रही हो ये। तो खुन्नू दा कितनी देर लौट तो ना तब मिले साइकिल हमारी। जाओ ना तो हागे ना आराम। तू तो सवेरे करके आए थे दो जने, कुछ और बताओ। तोरा राम खुद मना कर दे और तुम्हारी साइकिल दे दिए। सही बताओ खुन्नू दादा, मोहर लगी समझो। तोरे राव दिल से अच्छो काम करो तभी खुन्नू दादा दिल खुश हुई है। सोई वेर किन्ने साइकिल लौटा दिए। तोरा फिर का अब बताओ दादा कुल्ले कबाड़ो तो दो। अब तो दे दे हमारी साइकिल। चिंता मत करो हम सिर्री ना हम खुद कह दे बस कराओ। बस अब का जो दे रहे सोई दे रहे, बोतल आई रही है दरवाजे पर। बस दरवाजो खुला नहीं देर बोतल सामने। अब तो खुन्नू दादा आध घंटा हुई हो, अब तो दे दे हमारी साइकिल। अरे चले जइयो अपनी साइकिल ले जइयो, थोड़ी देर आओ तोड़ ले मरे काय गुजात। अब तो खुन्नू दादा 1 घंटा हुई हो।
तुम काम कत के गाड़ी देगत इन्हें करमंद साइकिल चाहिए का मैंने कही इतनी दिल से काम करा दे खुन्नू दादा खुद काट दे दिए दिल से काम करें दिल से हाँ और बस बादे का बोतल आई मोहर आ पाएगा तई ला ला आराम ला गिरा मत दियो आराम से ला दिल से करो दिल से अब बताओ खुन्नू दादा बहुत मेहनत से काम करतेंगे अब बताओ दे दो हमारी साइकिल ठीक का तुम खुन्नू दादा फिर ही ना आए जो बेफालतू तुम पे मजदूरी करवाए हमारे अंदर इंसानियत आए हम खुद कह दे ले जाओ अपनी साइकिल फिलहाल तो रहे रहा कहा रहे इतनी देर ला जल्दी सील तो रहा है यार काम मत रहे इतनी देर ओ भवा चढ़ी कोई आवाज बाबू फोन लगा दो खुन्नू दादा अब तो 5 घंटा हुई है अब भूख और लगे आई अब हमें हमारी साइकिल दे दे हम जाएं अरे कहता हूँ दई अमूम इंसानियत है हम खुद कह दें चले जाओ अब तो रहे रहो कौन सी साइकिल है तुम्हारी ले जाओ और कुछ कमी हो बहुत बता दे बहुत सही कराए थे कुटेल सारो कुटेल है वो तो हमें कहा पता थी जो बिना कुटे साइकिल ना दिए हम तो सारे जात खन जोत देते जाए ठीक कात भैया अब जाए ले चलो चौकी मोर इनाम लियो चले और हमारे दद्दू हुए इंतजार करते हैं हमारे चलो चलो अब तो कोई ज्यादा बात ना करे वो नजा यो फल किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी हमें लगा जय है जंगी पर पुलिस चौकी तुम बात ना करे हो हम बात करें ना कुटिए हो इनाम ही जगह तुम्हें मार पड़े का भैया जय है जंगी पर पुलिस चौकी हाँ भैया जय है चले हाँ भा लला ये कहता फिर तुम तय का तुम बात ना करे हो हम बात करें ना मिलिए तुम्हें हिले से नाम राम राम मैडम जी देखो का जय साइकिल है जो चौकी में से 3 दिन तक गायब है लग तो रही है एक बार मनोज को पूछना पड़ेगा ए मनोज को बुला के लो पर ये तुम्हें कहाँ मिली मैडम जी वो तो सब हम बता दिए लेकिन पहले आपस एक बात कहानी हाँ बोलो हिंदी में बात करो हिंदी हाँ ठीक है तो तुम जा बता तुम्हें जो साइकिल मिली कहाँ अब आओ मजा चुप्पा बताओ कहाँ मिली अरे मैडम जी तुम्हें का बताएं जा साइकिल कहाँ मिली तुम्हारे वे दोनों सारे सिपेटा हद में राहुल हद में तुम्हारे वे दोनों सारे सिपेटा नशा में धुत साइकिल चला देते और एक जगह पुन्ने साइकिल लिया के बीचा बीच सड़क ठाड़ी कर दी और बचो वो क्वार्टर नल पे जाए के पियन लगे और पियत है पियत उन्हें जा समझ ले हुईयो का नशा हाँ और तौले हुए थे ते आईयो 28 टायरा ठेला 600 की स्पीड में वाने साइकिल में जो है मान ले की ऐसी टक्कर मारी साइकिल गिरी जाए जिला लखीमपुर खीरी तावेरा हम जो है गए थे अपनी ननसार तो हमने साइकिल हुए डरी देखी तावेरा जो साइकिल की हालत थी जो है एकदम हती लोन जारो जा तो हमने समरवाए दई मैडम जी तो जा चलन लायक तऊ लगन लगी जे कपड़ा दिखात जाई करामाते है तो तुम हमें जा बताओ जब तुम अपनी ननसार लखीमपुर खीरी में थे
तो तुम्हें कैसे पता सिपाहियों ने शराब पियन के मारे साइकिल बीचा बीच रोडम ठाड़ी कर दी और साइकिल में टक्कर 28 टेरा ठेला नहीं मारी। अरे जेत गए थे हम थोड़ा जो ही टक्कर लगी साइकिल हमने बादशाह में जा देखी सोई हमने इनके मिस कॉल मार दी। वे तो जे बहुत भले आदमी है जो आपकी साइकिल ये ले आए। अब आप खुद समझदार हो। ले मैडम जी ले आए मनोज चपरा जी। हाँ मैडम जी बुलाओ का। ओरे जाता हमारी पल्सर है। कहाँ थी कैसे मिली? अरे जे दो बहुत भले आदमी है इनकी मेहरबानी हती जो जा साइकिल मिली। दो भैया इनको इनाम दो। हाँ दे इनाम दे। तुम तो भैया हमारे देवता नहीं करे। ले अपनो इनाम लियो। जे ले सादा 11 और जे ले 100 हो ये पूरे 11। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी वजह से हमारी पल्सर मिली। अरे यार ये तो ये कुछ 11 रुपया है और तुमने 1100 रुपया लिखे थे इनाम। हमारे पे 11 दे। हाँ दद्दू 11 दे। अरे जे है तो 11। अरे लत जे कचना जान ले तुम देखो। जे ले 11 का हाँ हाँ और जे ले 100 का हाँ हाँ हो ये पूरे 11 का हाँ हाँ। 11 लगत है पर लगन ना है। देखो ऐसो है जितने सिर्री हम तुम्हें लगत आए उतने है ना है। जब बकालत है कहूँ और छाटो जाए। सूद है 11 से खरे गिनाओ और अपनी साइकिल उठा रही आओ। एरी का निरी निरा बवरो ही रहे का। अच्छा मैडम जी आप बताओ जे हमने धरे रुपया कितने? 11। और जू धरो मैडम जी हरियल नोट कितने को? 100 को। अब जे मैडम जी पूरे रुपया कितने हुई? हाँ मैडम जी तुम्हें हमारी किस्म है सही सही बताइयो जे रुपया कितने हैं। ईमानदारी से बताइयो हम तो आई मान लिए। हमें तो भैया जा समझ लो टांगनम होन लगी पीर। हम टहा ले आए थोड़ो। अब टूटे तो गई है मान ले मिली चला साइकिल ये तना है ले हिसाब होए पहले हिसाब जो हिसाब होए बे तो सो होयो। अब अपनो काम देख मूसर होयो हिसाब सूद है 1100 रुपया गिना दे ना। अब है हम तुम्हें बताओ का आवे हम बताओ ना। अबे हम का आवे हम अबे हम रोल लगे। देखो मैडम जी जी हमारे रुपया ना दे 1100 रुपया इनने इनाम दरो तो साइकिल और मात्र एक उस 1100 रुपया दे देंगे। हमारे रुपया दिवा दे दिवा दे। देखो मैडम जी ना तो हम हैं बहुत खतरनाक आदमी। हम ससुरी साइकिल जा बेच दी जा बाड़े कबाड़े फिर हम मत कहियो। का कही तेरी इतनी हिम्मत तू हमारी यानी मनोज चपरा जी की साइकिल कबाड़े में बिचे है सारे पान गए तो मुथरी गड़ा जी खान दिए 1100 रुपया देखे हुए थे फित्ती मो करे हड़िया छ और तू मो करे बिलाई डोना सु। देख लियो मैडम जी जान सामान नहीं धमकी दे रहा सो पुलिस है सामने। देख लियो कैसी कतरनी सी जीप चलते लला इतने मुकदमा लगवाए जिंदगी भर कोर्ट कचहरी करे हो पुरिया पसाद बोलते फिर हो भगवान हमें बचा लियो हमें बचा लियो बताए दे। तुम ज्यादा जी मत चला और तू मनोजा चौकी में फालतू पिलिया जो रहे देखा इनकी 1100 रुपया किस्सा खत्म। चौकी के चपरासी हो तो पुलिस तुम तक चुके ना। अरे तुम चौकी की चपरासी हो तुमसे थोड़ी कोई कछु कहे। का कही तूने? तू हम पे मुकदमा लगवाई है। चलो फिर एक काम कराओ मुकदमा मुकदमा खेल ले ना ससुरी लाख खाने की सही। तो फिर लिखो मैडम जी हमारी रिपोर्ट बनाओ बनाओ। अरे ही ले दे के मामला खत्म करो काई केस खबड़े चक्कर में पड़े हो ना। हम तो केस करें जिम कुतिया के बार ना केस लड़े चड्डियो उतरिए काई इन सब के चक्कर में पड़े और हमारे घरे पता लगी हमारी तोड़ दीजिए तासे हम तो चले। ठीक है जाओ जब हम केस जीतिए जितो पैसा मिले सब डरे अपनी जिम और हुई दिल्ली रवाना सोई पी लियो तुम एप्पल फ्लेवर। देखो एक बात तुम्हें बताई दे हम तुम्हारो संग शराफ की मारे ना दिए हम तुम्हारो संग जाके मारे दिए हम आओ तुम्हारो दिल मिलो। चलो मुंजा जंग लड़न के लिए तैयार हैं लेकिन हमें चिंता अपने दद्दू की रही। आई रही हो ये बोतल। चलो साफ सफाई कर दे।
बोतल खुली है ताकि बाद कैसे कर पाए। अरे उठो साहब, अरे पल्लव जी उठो साहब, संजा होने वाली। अरे सोन देव लक्की की मम्मी, सोता रहियो, सवेरे चौकी माता निकले मनोजा की साइकिल लेके, अब बाटा ने बैठी हो चौकी बहुत मरे है, कब के डरे इंजन पगुआ पी गए, चलो जट पी ले। अरे यार एक और नई आफत, अब जा साइकिल को उठा रही हो। मैं क्या पता को उठा ले ऐसे को, तो यार चलो भैया माओ स्टंप बनाओ तो। एक मैं प्रतिपादित करता हूं कि चौकी के चपरासी मनोज ने अपनी खोई हुई साइकिल पर 1100 रुपए इनाम रखा था, किंतु मेरे द्वारा साइकिल को ढूंढे जाने पर मनोज चपरासी महिला दरोगा के सामने इनाम की पूरी राशि देने से मुकर गया। अतएव महोदय मैं 420 सी के तहत मुकदमा दायर करार देता हूँ। 420 सी ला वो स्टंप दे दो। धन्यवाद भैया, चलो। अरे दद्दू जा अंग्रेजी कहाँ सीखी, अब हम ट्राई करें। तुम काम है लुल्लू पुंजू समझत हते, अब ना अब तो जुके चिता धरा ले वकील साहब जू है मामला। अरे ऐसे तो मामला चाट चाट रोज देखत, 40 साल वकालत पड़ी है समझे। अच्छा लेकिन जा बता सामने वाली पार्टी के वकील को जो हमसे केस लड़े है। अब कोई कर ले ढंग को वकील जो केस जिताए दे। वकील अरे हम जैसी वकालत किन्ने पड़ी तुम। हाँ हम जे लड़े के मोह देखा हमाओ मोह का दिखे अपनो देखो सारो बनविलार लगत बेईमान। कोटम करो चल साबित को है बेईमान। अब जाका मका भूंजत बात कोटम देखे मका भूंजत की बाजरा। आ मनु चपरासी। अरे साहब मनोजा फोन लगा के देखे का पता साइकिल भाई उठाए लियो। सिर्रिया का अगर ना उठाए के लियो बोलता सारो उल्टा मैडम तो कह दिया घर के ने बाकी साइकिल चुरवा दी। लेकिन बात कहे है का कि साइकिल बाकी चोरी हुई तो ऐसे बात करियो बाय जा ना लगे पा कि बाकी साइकिल चोरी हुई है। चिंता मत करो आप। हेलो। अरे मनोजा सारे साइकिल उठाए लियो। मानी तेरी साइकिल थी तो का तू बिना पूछे साइकिल उठाए लिये। बौरो ना कुकर्मी सारू तेरे चक्कर में पैदल आए रहे। काकई साइकिल हम उठाए लिये सवेरे एक दो दिन चौकी में ते निकरे हमने आज साइकिल को मोह ना देखो बताए दे। अच्छा तो जाको मतलब तुम साइकिल लेन आए गए। लेन आए गए मतलब साइकिल तुम्हारे उड़ियन ना है। अरे हाय हमारी डिंगा हमारे लगा साब लगे निकलिए बाजार में को तरकारी लेन। अब आज चौकी कान खोले के सुन, अगर हमारी साइकिल कच होइयो तो हमें नई साइकिल चाहिए ना। तुम दोनों जन में तो एक दिन चौकी का दिखाए मत जाइयो बताए दे हमने। चल काट फोन। चलो ढूंढो चले ना हम तो अपनी नौकरी होते थे हाथ धोए बैठे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड आज सवेरे मेरे क्लाइंट मनोज चपरा मनोज की जंगीपुर पुलिस चौकी से साइकिल गए। एक मिनट आज सवेरे। हाँ साहब आज सवेरे का मामला है। बड़ा तेज कार्रवाई चल रही
हमें लगत बहुत करो केस है, शुरू करो। हाँ साहब बहुत करो केस है, आप जा समझ लो। शुरू कर तो है कि बकालत चाट, शुरू कर। हाँ तो मेरे क्लाइंट मनोज चपरासी की जंगीपुर पुलिस चौकी से साइकिल गायब हो जाने के बाद। अरे मनोज चपरासी केस हुआ है, दिखाई ना बट मनोज चपरासी कहाँ है? अरे साहब जी हैं तो। अरे ढुकत गए सामने आओ, जैसा बुला रहे। हाँ ढुको मत, सामने आओ। ले ओ साहब जी है मनोज। कहा है मनोज यार, हमारी बकरियां लइयो बटाई, बयानी की ना बयानी? हाँ साहब ब्याह पर ही। तो फच्चा करने मन ना है मेरे बता, कल बकरी न का बच्चन सुद्धा नकाज हो देगा। मिलॉर्ड मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अदालत में बेवजह की बातें करके अदालत के समय की ख्वारी मती कराओ। ज्यादा जवान मत चला ना, ऐसे चपेर होती है पेशा हो रहे तो है भाई। अरे यार गुस्सा का आयो तिन्ने जाके मारे कही, जल्दी केस खत्म करो, कल हमारे घर है नुएता, तुम आओ। बूंदी को रो तो और करा दियो, ठीक है? अरे राव राव तो वैसे काय को नुएता है, केस जीतने खुशी फिर तो जीतो ही धरो है। अरे मतलब दिखे भैया, टाइम निकाल कोशिश करें नुएता में पहुंचने। ठीक काजल साहब हम आओ रखियो। तो फिर नोएता पानी डाल हुई हो तो केस चालू करो जाए। करो करो भैया शुरू करो करो। हाँ तो महोदय, मनोज की साइकिल चौकी से गायब होने के 3 दिन बाद मनोज ने साइकिल पर इनाम रखा, जो भी साइकिल को ढूंढ के चौकी पहुंचाएगा उसे मनोज की तरफ से 1100 रुपए नगद राशि दी जाएगी। इन्होंने साइकिल को ढूंढकर चौकी पहुंचाया, कहे अनुसार मनोज ने इनको 1100 रुपया दे दे, किस्सा खत्म, केस सॉल्व। हाँ भैया केस सॉल्व। अरे लेकिन ऐसो नीचे उतरे कनपुटी में दिए पैसा हो रहे। हाँ चूतिया समझो बेवकूफ। चलो तुम अपने सुना। हाँ तो जस साहब ऐसो है, मनोज चपरासी ने। ओए चपरासी कह मत दियो, ने बताए दे हमने। हाँ तू है कौन फिर? चपरासी है साहब। हाँ तो चपरासी को चपरासी ना कहा तो कब प्रधानमंत्री कान लगे? चुप। हाँ तो जस साहब, मनोज चपरासी ने साइकिल ढूंढने वाले को 1100 रुपए का इनाम रखा था, जिसका एविडेंस महोदय मेरे पास ये बैनर है जिस पर साफ साफ लिखा गया है कि साइकिल को जंगीपुर पुलिस चौकी पहुंचाने वाले को 1100 रुपया इनाम दोजे। मनोज चपरासी ने अपने हिसाब से 1100 रुपए का इनाम दिया भी, लेकिन देखो जस साहब जब जे खुद है कबूल कर रहे दे दो इनाम। हुई के सॉल्व, बात खत्म। फिर तू चुप। अरे पर इन्हें कबूल कर तो लेकिन मनोज ने इन्हें 1100 रुपए का इनाम दे दो, फिर क्या बात? अरे बे तो मनोज ने अपने हिसाब से दे ना, इनके हिसाब से कहां दे? होए सकत इनको का और तरह को हिसाब होए, इन्हों की तो देख ले तब फैसला करो जाए, है कि ना? चलो भैया तुम बताओ तुम्हारे हिसाब में क्या फेर हुआ है? का भैया ये कोई साइकिल लेके वो ये कोई कत्थई कमीज में लड़का आओ तो साइकिल लेके ना भैया ये कोई ना आओ। लाओ एक लकड़िया वाली तमाकू दियो साहब, बहुत बड़ी गलती कर दी उनको पैक पी के। पैक करके नन उनको पियो तो? हाँ तो फिर उनने का पियो तो? ताज़े हमें का मतलब उनने का पियो? मतलब है अवलदार, अवैला तो घर के कहूँ नांद और कहूँ मोड़ाते। मतलब आबो अब तुम्हें मतलब बताए। चले यार संग तुम पे खुद समझिए। यहाँ कोई नई उम्र की लड़का शराब लेना आए थे। हाँ हाँ खाकी कमीज पहने
सफेद वाली एप्पल फ्लेवर लेके गए हुए हैं साहब। बोतल के पैसा बाप अंधे हुए हैं। अरे हाँ साहब। फिर ये हवाई आज लैंड हुए हैं, फिर वे दो बाम बैठे के चले गए हुए हैं दिल्ली। अरे हाँ साहब। अब और कछु साहब। सारो सिर्रेटा पता नहीं कैसे ठेका चला तो ये, और साहब कैसे का हो ये, कोई कछु बता तो है ना यार। अरे यार साहब का बताए, साहब खुद फट रही टेंशन है मारे, कोई रत्ता ना। अरे मनोजा हवलदार। हाँ हुई जुगाड़। वो देखो मनोजा ने बाई साइकिल 1100 रुपया इनाम दे रो। वो देखो पोस्टर लगो। देखो सारे गुलाम जब जान तो साइकिल घर के लेके आए हैं, फिर यू सारे पोस्टर लगवाए दे। अब तो कम साइकिल उठाई हुए है और मोटा चलोगे ये इनाम लेन। ठीक कात ताई से जू सारो मनोजा का तो हमारी साइकिल कछु हुई हो तो हमें नई साइकिल चाहिए। घर के नक दबका तो और दो दो साइकिलें पचानक घूमत उसे यार ही नस बन तो। लेकिन इनाम लेन को गो जा पता चली सारे खाल उतार लें। आओ चलो बच तो सकता है ना, चाहे कोई हो फिर चलो। साहब मनोज चपरासी ने अपने हिसाब से जो 1100 रुपया हमें दे, बाई हिसाब से हम 1100 रुपया आपक देनो चाहते। अरे भैया हमें मत दे लेके भाजी। अरे भैया मजाक कर रहे, लाओ लाओ दे। ध्यान से देखियो जत साहब, इनने हमें 1100 रुपया कैसे दे। दिखाओ जी हमने धरे रुपया कितने। 11। और जी हमने धरे रुपया कितने। 100। अब ये टोटल रुपया कितने हुई है। 1100। पढ़े लिखे आओ कि ना, मेरे अंगूठा ठीक आओ पहने ढाड़ो बिलायती कमीज चकिया चाट सांप लगत। अरे अरे तो अपनी जगह पहुंचो, फालतू केस चला तो फिर तुझे। अब अल्लाह तुआ हो यो नोता सीधी तुम्हारी तिरई खाना है। और तुम बताओ वकील भैया। और सब बढ़िया जस साहब। हाल चाल ना है, पूछत केस के बारे में पूछत। मनोजा ने 1100 रुपया ऐसे ही दे दे जैसे इनने बताई। हाँ साहब एकदम टू कॉपी। ठीक है तो फिर केस खत्म। हाँ भैया चलो चलो अपने अपने घर चलो। हाँ मनोज। हाँ साहब मनोज चपरासी की नोयता है जहां। आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड। का है भैया की के तक आए गए। हमें आपक थोड़ो प्रैक्टिकल दिखाने, अगर आपक इजाजत हो तो। मूसर भाई इजाजत। अरे इजाजत है भैया इजाजत, मजाक कर रहे थे हम। चलो भैया तुम अपना प्रैक्टिकल दिखाओ। तो साहब हम जा चाहते हैं कि मनोज चपरासी ने जो हमें 1100 रुपया इनाम में दे, वो इनाम मनोज चपरासी को वापस करो चाहते। ला भैया ला। का पागल हुई है लेके भागी है बिलल लो है। अरे दिमाग खराब हुई होगा। अरे प्रैक्टिकल कर रहे, आओ मनोज ले वा। जेले अपने रुपया 11 और जेले रुपया 100। प्रैक्टिकल चल रहा हूँ सदियों ने। जत साहब अब आप बताओ इन्हें हमने रुपया कितने दे दे। 1100। 1100। अब मोगा का देखा तुम, बताओ जत साहब कितने रुपया दे दे हमने। हाँ साहब इनने पूरे 1100 से लौटा दे। अब साहब मनोज पे हमें आई दया। कायद की बेचारे की नई साइकिल में ठेला न दी टक्कर मारी, सब साइकिल लोजर को दई ताके मारे। हमने इनाम में 100 रुपया इन पे कर दे माफ। अरे बाप तुम बड़ा दिलेर आदमी हो मानिए। साहब मनोज से पूछो हमने इनाम में 100 रुपया माफ कर दे, तासे इन्हें कोई दिक्कत है। बता भाई मनोज तुम्हें कोई दिक्कत है। हमें का दिक्कत हो है साहब, आपन कह दई हमने मान ली। अच्छा तो अब इनाम के रुपया साहब कितने बचे। 1000। ले भाई मनोज तुम्हें ठाड़े ठाड़े 100 रुपया फायदा हुई हो। अब साहब आप मनोज से कह के हमारे बचे भाई 1000 रुपया हमें दिवाए दे। देव भाई भले आदमी रुपया देव। हाँ तो तुम्हारे 1000 रुपया बचे। हाँ जूले अपनो 1 रुपया और जेले उद्दत। क्या भाई मनोज रुपये नो हिसाब ना बन तू का।
साहब इन्हें हम 1000 रुपया ना दे पे हैं। क्या रुपया कहने दिया साहब? मनोज इन्हें 1000 रुपया ना दस्खत। मनोज ने दिया पूरे 1100 रुपया। कहे की मनोज की साइकिल इन्हें लखीमपुर खीरी तहत जंगीपुर पुलिस चौकी पहुंचाए दी। अगले दिल से मेहनत करी, कपड़ा तो देखो चीकट हो ये धोन केला साबुन चाहिए कि ना। तो साहब इनकी इतनी भारी मेहनत देख के हम अपनी तरफ से 100 रुपया इन्हें इनामिक देते। दे मनोज इन्हें पूरे 1100 रुपया दो इनामिक। अरे वाह भाई वकील साहब वाह। जज साहब जे पूरे रुपया लेना है सकत काहे की जे लखीमपुर खीरी तहत साइकिल ताए। अगर साइकिल ना होती तो जे बस से आते का? हाँ हाँ बस से तबाओ पत्तू। हाँ तो बस से आना किराओ हम पर 250 रुपया ठोकतो। इन्हें की साइकिल की वजह से हमें कितनी फायदा हुई। अब आप हमें जा बताओ हम इन्हें 100 रुपया माफ ना कर सकत ना? हम तो भाई पूरे पैसा दिए। जज साहब हम ईमानदारी खात रुपया हम 1000 लिए। अरे ले ले भैया ले ले ले। जसाब हम अरे जसाब हम तुम्हारी किस्म खाए का हम रुपया 1100 पूरे ले ना सके। हम पूरो दहके मने। अरे जब साहब हेयर स्टाइल किस्म हम 1100 रुपया ले ना सके। हम तुम्हारी किस्म का तो हमें ना रुपया दहके मने। आज लाओ को हमारे इतिहास को जो पहले केस हुआ सो है। जागो फैसला इतनी ईमानदारी होत दबाओ भैया। दो जन ने वो इतो प्रेम देख के हमारी आंखें नम हो आई। इन्हें 11 दीब है और इन्हें 11 ना लीब है। तुम्हें दो जन ने कहो दो जन ने बहु ने किस्म आए। तो अब हमारा फैसला तुम्हें मन में पड़े। अब ना तुम्हारी ना तुम्हारी ना रुपया 11। अब इन्हें दे तुम 1050। जो लफड़ा पत्त सो पत्त 100 रुपया सो हमने कर दो आदो आदो। अब तुम इन्हें 1050 रुपया गिनाओ। चलो गिनाओ। देखो जज साहब वैसे हम जो फैसला मनते इतना है लेकिन महोदय आप कह रहे तो हमें मंजूर है। अब तुम जा मत कह दियो गलती और कि हम इन्हें 1100 रुपया दिए। अब अला तो हमारी चलती थी जीव, अब हमारी चले कलम। का करें देव कहन अब हम अपनी नौकरी ना गवा पाए। जब तुम अपनी नौकरी ना गवा पाए तो हम अपने 10000 रुपया तुम पे काय के लिए कलाए दे। देखो जस साहब मनोज चपरासी ने अपने वकील का घूस दई 10000 रुपया। प्रूफ आपके सामने है। ना साहब हमने घूस ना दई। चुप का वकील साहब ऐसे ही तुम्हारी वकालत हुए। सही सही बता जी पैसा है काय? जे पैसा हमारे ना है। अच्छा जे पैसा मनोजा तेरे ना है? ना है साहब। बिना गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है मनोज चपरासी और उसके वकील को कोर्ट में घूसखोरी के जुर्म में दोनों का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर पूरे जिला में घुमाने का हुक्म सुनाती है और बरामद किए हुए घूस के पैसे ईमानदार और भले आदमी जो सामने खड़े क्या नाम इनका बल्लू 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 को इनाम के रूप में देकर बाइज्जत बरी करते हैं। नेता मैं भी सफेद बारी रसगुल्ला। अरे भली सर 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 एक मिनट सर 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 आपने इतना बड़ा केस सॉल्व किया है। आपकी मेहनत और ईमानदारी ने आपको ये केस जिताया है। तो सर हमारी मीडिया आपको नेशनल टीवी पर लाइव बिल्कुल खड़े खड़े प्रकाशित करनो चाहते अगर आप हाँ करें तो, क्योंकि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी तो आप बताओ का चाहते। अरे भैया देखो हमें जाके कोई जरूरत ना। जरूरत है भैया जरूरत है। करो ना है लाइव टेलीकास्ट करो टीवी और ये देखो कैमरा वाले मोबाइल ठाड़े मोबाइल ठाड़े करो ना चालू वीडियो। चालू है चालू है भैया। पागल हुई है तुम का कतई? अरे तुम चुप्पा रहा चालू यू कैमरा।
सर आपका ये पहला केस था, देश के जाने माने वकील ने आपके सामने घुटने टेक दिए, आपने ये सब कैसे किया, हमारी मीडिया जानना चाहती है सर। देखिए पहला केस हो या दूसरा, इंसान की सच्चाई उसे सदैव जीत दिलाती है। सर मीडिया जानना चाहती है यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा। देखिए यहाँ तक के सफर में मुझे काफी ज्यादा दिक्कतें आईं, लेकिन उन दिक्कतों का जमकर सामना किया और मैंने जमकर संघर्ष किया। सर बस एक लास्ट सवाल और सर साफ टाइम ही हो, चलो हटो। अरे सर 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 तो दर्शकों देखा आपने कैसे कैसे सारे बकचोद केस जीतिया था, अब तुम जा समझ ले कहूं ना जाए मैं लगातार दिखवे मौत तक। अरे फिर तुम आइए ठेका। चल्ला तीन सफेद वाली एप्पल फ्लेवर दे। अरे जेल साहब और जगह बता दे वहीं पहुंचाई दिए। चलो जाटी पहुंच दे। अब का पैदर जाए उंगल गाली बुला। मुझे पता था मेरे राम लखन जरूर आएंगे। थोड़ा रुकिए प्रभु। मेरा जीवन धन्य हुआ प्रभु। जाए का हुई हो? अरे इन्हें नेक देर पिया ना कहना मिला जी ऐसे ही याद लाए ने अब हम सही करे देते। अरे ले आए बोतल 103 अब तो 90 उनाई पर हैं और गिलासों काम खत्म। कैसे लाए पर 3-3 बोतल? अरे सब बता दिए, चलो पहले माहौल बनाओ। चले कब तक दो जन इंतजार कर तो आंखें पीतर हुई पूरी रामायण हुई इनके पीछे तुम्हें ना पता। अब हम मो देखत उचेला सील चाकेल कितो षड्यंत्र कराओ परो बे अब मो देखत। यस फोन वाले को फोन बजो। अरे यार जा सिर लियो फिर फोन आइयो। अरे यार जल्दी बनाओ अपना ताम झाम जो कर जतो जल्दी करो यार। अरे दैया जल्दी लाज कपड़ा उतारो। उठाए रे अब। हेलो हेलो कहाँ पहुँचे? दादरी पहुंचिए। हाँ भैया दादरी पहुंचिए। हाँ दादरी पहुंचिए बस में है। अब तुम मान लो बस में हो तो आवाज तो क्लियर आ ना रही है। ना बस में है लेकिन आज आवाज तो एकदम सुरियारी आ रही। अब तो और क्लियर आ रही है। अरे अब तो और फुलेचडी आई। अच्छा तो अब कैसी आ रही? अब तो जा लग रही एकदम तुम हमारे बिल्कुल कान बोल रही। तो सर हमारी मीडिया आपको नेशनल टीवी पर लाइव बिल्कुल खड़े खड़े प्रकाशित करना चाहते अगर आप हाँ करें तो। देखो हमें जाके कोई जरूरत ना। जरूरत है भैया जरूरत है, लाइव टेलीकास्ट करो टीवी। पागल हुई है तुम का कतई हैं? अरे तुम चुप रहो चालू यू कैमरा। तुम्हारी जो तेजाब वाली फैक्ट्री में नौकरी चल रही है? तेजाब वाली फैक्ट्री में नौकरी ना कर रहे तेजापत पिए रहे। तुमने एक जीभ कम चला। कैसी लगी?
हैं का मतलब 3 महीना बाद डरी। अच्छा पूरी पिक्चर दिखे और 3 महीना ना लगे, इंसान है जानवर ना है। अच्छा अच्छी लगी हाँ तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो जो नीचे लाल वालों बटन बहुत दे। पहले तुम जो काम करो पहले चाचा चाची ध्यान दे भेजियो ठीक, चलो भेज दे भेज दे। और हाँ इंस्टाग्राम पर फॉलो का ना कराओ ना, फिर कब करे हो जब सब ने करी है बैंड तीन तब करे हो, करो 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 जल्दी करो। आओ कन्हैया एक महीना पर।